अगला क्वेश्चन है d^3 y/dx^3 माइनस के 9d²y/dx²+23dy/dx -15y=0। ये दे रखा है। सॉल्यूशन तो हियर द ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ -9m²+23m -15=0। ये हो गया, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकला है। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। ये m इक्वल टू हम 1 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 -9 + 23 -15, तो ये 24 - 24 कट गया। तो यानी m इसका एक 1 फैक्टर हो गया, m इसका एक फैक्टर है। तो m माइनस 1 से इसमें डिवाइड दे देंगे, m³ -9m²+23m -15, तो m स्क्वायर से दिया, m³ -m²-+ ये कैंसिल होगा, -8m²+23m -8m से दिया 8m² -+8m -+ ये कैंसिल होगा, 23 में से माइनस करेंगे 8, तो कितने बचेंगे, 15m - 15, तो प्लस के 15 से दे दिया, इसमें प्लस 15 से दिया, तो इसमें इसका 15 को मल्टीप्लाई किया तो 15m - 15 माइनस प्लस ये कैंसिल हो गई। इसके जो फैक्टर निकले हमारे पास, m-1 एक फैक्टर, दूसरा m²-8m+15=0। अब इसके ही फैक्टर कर देंगे, m-1 m², तो ये हो जाएगा 5m-3m+15=0। तो m-1 m कॉमन ले लिया m-5 -3 कॉमन लिया m-5=0, m-1 m-5 हो जाएगा, दूसरे में m-3=0। तो ये m की वैल्यू निकली है 1, 3 और 5, m की वैल्यू निकली है 1, 3 और 5। तो इसका जनरल सॉल्यूशन y = c1e^(m1x+c2e^(m2x+c3e^(m3x), c1e^(m1) निकली है 1x+c2e^(m2) की वैल्यू 3x+c3e^(5x), ये आ गया। एक बार